दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुपर लीग का आगाज 14 फरवरी को दुबई में होने वाली एक रंगारंग तकरीब से होगा जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन की इब्तदाई तकरीब में म्यूजिक बैंड जुनून और पिटबुल फन का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 4 की इब्तदाई तकरीब 14 फरवरी की रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सजेगी, जिसमें परफॉर्म करने वाले दीगर गुलकारों में बोनी एम, फवाद खान, यंग देसी, आयमा बेग और शुदा हैदर शामिल हैं। इब्तदाई तकरीब के बाद दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गुज़श्ता साल आखिरी नंबर पर रहने वाली लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबले आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेर इहतमाम पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन 14 फरवरी से UAE और पाकिस्तान में शुरू होगा। लीग का फाइनल 17 मार्च को कराची में खेला जाएगा। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आशिर एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप PSL 2019 में आपकी टीम कौन सी है। न्यूज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस्लामाबाद यूनाइटेड बामकाबला लाहौर कलंदर किस में कितना है दम, आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों पर। पाकिस्तान सुपर लीग 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद इस बार अपने कप्तान मिसबा उल हक से महरूम होगी, क्योंकि मिसबा उल हक इस बार पेशावर जलमी का हिस्सा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की क्यादत फास्ट बॉलर मोहम्मद समी करेंगे। टीम के दिगर अहम खिलाड़ियों में लेविक रॉन्की, कैमरोन डेलपोर्ट, शदाब खान, रुमान रईस, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, आसिफ अली, फहीम अशरफ शामिल हैं। लेविक रॉन्की, कैमरोन डेलपोर्ट, आसिफ अली, शदाब खान, फहीम अशरफ किसी मैच का भी पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि PSL के पिछले तमाम सीजन में फास्ट बॉलर मोहम्मद समी जो इस बार कप्तान भी होंगे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लेकिन टीम अपने चैंपियन कप्तान मिसबा उल हक की कमी को ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जरूर महसूस करेगी, क्योंकि एक फाइटिंग कप्तान किसी भी टीम की जीत के लिए बहुत अहम होता है। इसके साथ पिछले सीजन में स्पॉट फिक्सिंग का शिकार होने वाले शर्जील खान का भी बदल मुश्किल नजर आता है। ताहम बैटिंग और बॉलिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन इस बार भी इस्लामाबाद के लिए मुफीद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले सीजन की नाकाम तरीन टीम का। जी हां, आप जान ही चुके होंगे हम बात कर रहे हैं राणा फवाद की लाहौर कलंदर्स का। पिछले 3 सीजन में लाहौर की मैचेस में राणा फवाद ही काबिले जिक्र रहे हैं, जिनको कभी खुशी होते देखा गया तो कभी मायूस और जज्बाती। लेकिन क्रिकेट से मोहब्बत ने इस बंदे को पाकिस्तानियों के दिलों में खास मुकाम अता किया है। लाहौर कलंदर की टीम पिछले 3 सीजन में स्टार क्रिकेट पर मुश्तमिल होने के बावजूद अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। पहले सीजन यानी 2016 की PSL में लाहौर की टीम में क्रिस गेल टीम में शामिल थे। 2017 और 2018 में ब्रैंडी मैकॉलम, फखर जमान और उमर अकबल भी टीम को रुसवाई से ना बचा सके, लेकिन इस बार PSL 4 में लाहौर कलंदर में मोहम्मद हफीज को कप्तानी दी गई है, जो पिछले सीजन में पेशावर जलमी का हिस्सा थे, जबकि जनूबी अफ्रीका के शहर अफाक एवी डिबिलियर भी टीम में शामिल होंगे। और दूसरी तरफ बॉलिंग के शोबा में भी अब शहीन शाह अफरीदी भी भरपूर फॉर्म में नजर आते हैं, जबकि यासिर शाह भी हाजिर हैं। यूं टीम में मोहम्मद हफीज और एवी डिबिलियर की जोड़ी उम्मीद है कि इस बार लाहौर कलंदर के मालिक राणा फवाद के लिए ग्राउंड में भंगड़ा डालने का सबब भी बन सकती है। एवी डिबिलियर, मोहम्मद हफीज, फखर जमान और शहीन शाह अफरीदी का टीम की जीत में अहम किरदार होगा। अब बात करते हैं इस्लामाबाद और लाहौर के PSL के पिछले रिकॉर्ड की। 2016 और 2018 के PSL चैंपियन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 3 सीजन में कुल 26 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 15 में जीत और 11 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लाहौर कलंदर ने भी कुल 25 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 17 में हार, जबकि सिर्फ 8 मैचेस में राणा फवाद को खुशी नसीब हो सकी। पहले 3 सीजन में लाहौर कलंदर पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी नंबर पर आई है। आपस में बाइमी मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के मबैन पहले 3 सीजन में कुल 6 मैचेस खेले जाएंगे,
जिनमें इस्लामाबाद ने 4 जबकि लाहौर 2 मैचेस में जीतने में कामयाब रहा। दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले भी देखने को मिले हैं, जिनमें 2018 का 12वां मैच काबिले जिक्र है जो टाई हो गया और जो इस्लामाबाद ने 1-1 ओवर में जीता था। इस बार की बात करें तो इस्लामाबाद की अच्छी बॉलिंग को लाहौर कलंदर की तरफ से एबी डिविलियर्स मोहम्मद हफीज और फखर जमान का चैलेंज दरपेश होगा और एक अच्छे मुकाबले की तवक्का की जा सकती है। हमारी राय में इस मैच की फेवरेट टीम लाहौर कलंदर है। आप भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके मुताबिक इस मैच की फेवरेट टीम कौन है। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के खेल और खिलाड़ी को दुनिया में आला मकाम अता फरमाए ताकि पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम।